हेलो मेरे प्यारे चस्कोरों और चस्कोरिये, कैसे हैं आप सब लोग। आपको पता होगा कि आज ठग ऑफ हिंदुस्तान का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। ठग ऑफ हिंदुस्तान इस साल की सबसे मोस्ट अवेटेड फिल्म है, और आपका पता ही है कि इसमें आमिर खान है, इसमें अमिताभ बच्चन है, और कतरीना कैफ और फातिमा सना शेख जो दंगल में भी थी। इस फिल्म का बेचैनी से इसलिए भी इंतज़ार किया जा रहा है क्योंकि आमिर खान की हर फिल्म का बेचैनी से इंतज़ार किया जाता है, और इतने सालों के बाद जब वो कोई फिल्म देते हैं तो वो आमतौर पे बहुत अच्छी होती है। तो एक किस्म का भरोसा, एक किस्म का एतमाद है लोगों को। आज जब मैं काम पे जा रहा था तो इससे पहले ट्रेलर रिलीज़ हो चुका था, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था उस वक्त इस पे रिएक्ट करने का या देखने का, तो मैंने सोचा काम से आके देखूंगा। अभी मैं काम से आया हूँ, अभी रात के 1:30 हुए हैं, यानी कि 1:30 हुए हैं रात के, तो ट्रेलर देखते हैं। यशराज फिल्म की ये प्रोडक्शन है, और मेरे ख्याल में वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म्स बॉलीवुड की जो हैं उसमें है। और म्यूज़िक दिया अजय अतुल ने, बहुत ज़बरदस्त म्यूज़िक देते हैं हमेशा। डायरेक्टर का नाम मेरे ख्याल में विजय कृष्णाचार्य है, जो कि इससे पहले टशन और धूम 3 की डायरेक्शन कर चुके हैं। जो धूम सीरीज़ है, धूम 1, 2, 3, उन तीनों फिल्मों का स्क्रीन प्ले उन्होंने लिखा था। इस फिल्म के बारे में, जो ठग ऑफ हिंदुस्तान है, इसके बारे में मुझे ये पता चला है कि लोग ये कह रहे थे और काफ़ी र्यूमर्स थी कि ये एक्चुअली एक नावल पे बेस्ड है, लेकिन जो डायरेक्टर हैं विजय कृष्णाचार्य, उन्होंने एक प्रेस के सामने कहीं बयान देते हुए ये कहा है कि ये टोटली उनका अपना स्क्रीन प्ले है और ये कोई रियल स्टोरी नहीं है। अब मुझे नहीं पता ये नावल किसी से बनी थी या उनका अपना स्क्रीन प्ले है, लेकिन उनके बकौल में इनका अपना स्क्रीन प्ले ये किसी नावल से नहीं लेगी और कोई रियल स्टोरी नहीं है। लेकिन हम देखते हैं ट्रेलर और फिर इस पर बात करेंगे। आइए मिलकर देखते हैं ट्रेलर। यशराज फिल्म्स, 1795 ये एक पीरियड ड्रामा ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो थी एनिमेटेड फिल्म तो नहीं है ये, लेकिन लग ही रही है। हुकूमत कर रही है। जो जुल्म वो करते रहे, जो जुल्म हिंदुस्तानियों पे उस वक्त होता रहा, उसके बारे में गुलामी मंजूर नहीं थी। सारे दिन की दबंगी थावर चेन शीशम के घोड़े पर होके सवार शब्द गुनहगार के वाह, क्या एनर्जी है सुमन भी। बाय बाय फातिमा सना शेख। आजाद नाम सुना है? अरे साहब आजाद की पूरी फौजगरी कर देंगे आपके सामने। हमारा तो नाम ही फिरंगी है, अंदर से तो बुरे हैं हम, बस बाहर से बड़ा रहेगा। घंटू डैश ग्लड़ी हेल नाम की बहुत घंटे थी पूरी पूरी नाइट। ये तो फिल्म देखने के बाद पता चलेगा कि मजा आएगा तुम्हें। तीनों से ज्यादा ही है आजादी है तो कबूल है ससक, अब तो होगा वही जो है मंसूब है खुदा। अल्लाह अकबर लिखा हुआ था इसमें। होगा स्वभाव है मेरा और भरोसा मेरा। आठ नवंबर को दिवाली पे रिलीज हो रही है फिल्म। तो ये तो था ट्रेलर। आप मुझे बताएं कि ट्रेलर आपको कैसा लगा। मैं आपको पता है कि अपनी पूरी ईमानदारी से बात करने की कोशिश करता हूँ, जो मुझे लगता है जैसा लगता है वैसा ही कहता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये ट्रेलर मेरे ख्याल में डिसेंट ट्रेलर है। कोई
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था इतनी बड़ी फिल्म से। आपको पता ही है, इसमें मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि इस फिल्म को पहले से ही एक हॉलीवुड फिल्म से कंपेयर किया जा रहा है। और ट्रेलर देख के मैंने वो फिल्म, हॉलीवुड की फिल्म जो है वो नहीं देखी, लेकिन उसके बारे में सुना बहुत है, उसके करेक्टर्स का थोड़ा बहुत अंदाज़ा है, पता है। जिनसे भी आज मेरी बात हुई थी इस ट्रेलर के बारे में, हर एक यही कह रहा था कि आमिर खान का किरदार जो है वो जैक स्पैरो वाले किरदार से बिल्कुल मैच करता है, क्योंकि बिल्कुल इसी तरह उनका किरदार था, कॉमिक टाइमिंग वाला और इसी तरह का हुलिया और इसी तरह का, और बाकी फिल्म भी और उसके कुछ, बल्कि ट्विटर पे लोग इसको काफ़ी ट्रोल कर रहे थे, मैंने देखा था। तो उस पे कुछ लोग तो सीन्स भी दिखा रहे थे जिसमें कि जो ट्रेलर में सीन्स है हू बहू वही उस दूसरी हॉलीवुड फिल्म में भी मौजूद हैं। मुझे नहीं पता कि ये कितनी कापी है या नहीं, वो तो बाद में देखने के बाद पता चलेगा। ट्रेलर इतना ज़्यादा इंप्रेसिव मुझे इसलिए नहीं लगा, VFX जो है वो थोड़े कार्टूनिश लग रहे हैं, एनिमेशन टाइप लग रहे हैं। मेरे ख्याल में रेड चिलीज़ वाले से बेहतर एनिमेशन दे चुके हैं पहले फिल्म्स में, और जब इतनी बड़ी फिल्म बना रहे हैं और आप बाहुबली और जो अब 2.0 आ रही है जो कि बॉलीवुड की फिल्म्स नहीं है, उनके मुकाबले में भी VFX नहीं दे पा रहे, तो थोड़ी अजीब सी बात लगती है मुझे। और उसके बाद ये 3 मिनट से ऊपर का ट्रेलर था, और उसमें आपने देखा होगा कि ना कतरीना कैफ और ना फातिमा सना शेख का कोई डायलॉग था, वो बिल्कुल उनका थोड़ा बहुत सीन था, बाकी आमिर खान और अमिताभ बच्चन ही बोलते रहिए जो भी डायलॉग उन्होंने दिए। आमिर खान अपनी अपनी जो उनकी फॉर्म होती है उसी में नज़र आ रहे थे, थोड़ा उनका लहजा या उनका अंदाज़ करेक्टर का वो पीके वाला थोड़ा लग रहा था मुझे, लेकिन वो ज़ाहिर है हमेशा बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, उनसे हमेशा ही उम्मीद की जाती है। अमिताभ बच्चन बहुत ज़बरदस्त ट्रेलर में लगे, पावर हाउस, और इस उम्र में उन्होंने जिस तरह का एक्शन और जिस तरह की एक्टिंग कर रहे थे वो शानदार और काबिले तारीफ है। एक्चुअली मुझे नहीं पता फिल्म कैसी होगी, अक्सर ये ज़रूरी नहीं कि जो अगर फिल्म का ट्रेलर अच्छा नहीं है तो फिल्म अच्छी नहीं होगी, तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ और अब हम सबको उम्मीद करनी चाहिए कि फिल्म बहुत अच्छी होगी और हमें एक और मायूसी नहीं मिलेगी जैसे RACE 3 से या और भी बहुत सी फिल्म से हमें मिलती रही है पहले, जो बड़ी फिल्म थी जिनसे उम्मीद की जाती है कि वो बहुत ज़्यादा बिजनेस करेंगी। आपको ये ट्रेलर कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर मैं इसको 5 में से स्टार्स दूँ तो मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा 3 दे सकता हूँ, वो भी ज़्यादा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और चीज़ पर रिएक्ट करूं तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन दबाएं, शेयर करें। खुदा हाफिज़।